साबुदाना का वड़ा बनाने के लिए मैंने ले लिया है 10-11 आलू है ये, जिसको कि मैंने बॉईल कर लिया था। और यहाँ पे ले लेंगे ये 1.25 किलो, मतलब 1 किलो से थोड़ा सा कम है ये फुला हुआ, मतलब मैं उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। तो ये ले लेंगे साबुदाना, जिसको कि मैंने फुला के रख दिया था तकरीबन 3-4 घंटे पहले। 1 किलो तो नहीं है, 1 किलो से थोड़ा सा कम होगा। ये देखिए डाल देंगे इसको यहाँ पे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम डाल देंगे सेंधा नमक, जो कि फास्ट में खाया जाता है, उपवास में खाया जाता है, तो वो डाल देंगे। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लिया है, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा बड़ा चम्मच डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर डाल दूँगी ये मैं मिर्ची, तो ये ना हरी मिर्ची है, ये मैंने इस तरीके से पीस लिया हुआ है मिक्सचर में। तो आप चाहें तो मिर्ची कूट के भी डाल सकते हैं या बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, अगर आपको जैसे भी पसंद हो उस हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तीखी है गाइस। तो अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो बिल्कुल ऐड कीजिएगा, वरना बच्चों के लिए अगर बना रहे तो टोटली स्किप कर दीजिएगा इस प्रोसेस को। तो चलिए अब इसको पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल दिया है मैंने। इसमें क्या कर सकते हैं ना आप, भुना हुआ सिंगदाना भी डाल सकते हैं क्रश करके, पर मेरे यहाँ किसी को नहीं पसंद इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया है। अगर आपके यहाँ पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे क्या होता है ना क्रंचीनेस बढ़ जाता है, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर पसंद है तो। तो चलिए अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको मैश करके ना, मतलब मिक्स करके अच्छे से इस तरीके से मैंने पेड़े जैसे बना लिया है, आप अपने हिसाब से शेप दे सकते हैं। दिया है मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए, चेक कर लेते हैं कि ऑयल हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे ऑयल ना बहुत ज़्यादा गर्म चाहिए, नहीं तो क्या होगा ना, ये देखिए बहुत अच्छे से हो चुका है ऑयल, नहीं तो क्या होगा ये जो वड़े बना रहे हैं ना हम, ये फट जाएगा अंदर जाके, इसलिए हमने तेल को बहुत अच्छे से गर्म करना पड़ेगा। ये देखिए बहुत सावधानीपूर्वक ये प्रोसेस करिएगा क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होता है गाइस। ये देखिए डाल दीजिए इसके अंदर, इसको अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जैसे ही नीचे से क्रिस्प हो जाएगा ना अपने आप ऑयल मतलब कढ़ाई छोड़ देगा, तब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए हो गया ना, तो बस इस तरीके से। तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्प एकदम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं खूब बढ़िया से हो चुका है, पक चुका है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने साबुदाना का वड़ा बना के रेडी कर लिया है सिंगदाने की चटनी के साथ, बहुत यम चटनी बनी है इसको। मैंने मिर्ची और सिंगदाना ये सब डाल के बना लिया है, बहुत यम लगती है इसके साथ कॉम्बो, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो नवरात्रि में इंजॉय कीजिए, सबको खिलाइए खाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बिल्कुल मज़ेदार वाली रेसिपी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।